गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक होगा आपका वो होगा आपकी जो पॉइंट है एन एलएलसी ऑन द डेट ऑफ ए मेंटर। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा आपका एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आज हम उसको करना सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम आपकी पॉइंट में से कोई से भी चार लाइन ले सकते हैं। जो एग्जामिनर है वो आपके पॉइंट में से कोई से भी चार लाइन आपको करने के लिए दे सकता है और उसमें से आपको किस प्रकार से करना है उसको हम देखेंगे। दो क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। दो एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसमें से आपको कोई से भी एक करनी है। ठीक है, तो यदि इसमें से आपके इस पॉइंट में से कोई एक्सप्लेनेशन बनती है तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे। तो इस मैंने आपको एक चीज और बताई थी सबसे पहले कि आपके इस बुक में चार पॉइंट्स है और चारों पॉइंट्स के आपको नेम्स पता होना चाहिए और उनके पॉइंट के नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि जो आपका रेफरेंस है वो गलत नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो पॉइंट्स है चारों, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको समझना है, लर्न करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो लाइन्स जो दी गई है वो कौन सी पॉइंट में से दी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कोई भी चार लाइनें हम ले लेते हैं बुक में से, आपके में से, जैसे अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स। अराउंड फ्रॉम द ऑल नेबरिंग स्ट्रीट्स। Around from the all neighboring states, so the wandering neighbors ran. The wandering neighbors ran and swore the dog had lost its wits and swore the dog had lost his wits to bite so good man। क्लियर, ये आपका एक स्टिंग आएगा चार लाइंस का और इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। सपोज करो ऐसे ही ये पूरी पॉइंट में से आपको कोई सा भी स्टिंग जा सकता है और आपको एक्सप्लेनेशन की करनी है। अब एक्सप्लेनेशन हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपकी चार लाइन है इनमें से आपके फर्स्ट टू वर्ड्स, शुरुआत के दो वर्ड्स है और लास्ट टू वर्ड्स जो है वो आपको लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। अब कैसे करेंगे इसको हम देखिए, आंसर लिखेंगे, मैं इसे बता देता हूं। देखिए हमने लिखा आंसर, जो भी आंसर नंबर है आपका, उसके बाद में फर्स्ट टू वर्ड थे ये जो स्टेज आपके अराउंड फ्रॉम फिर डेट टेस्ट करके लिखेंगे और फिर लिखेंगे लास्ट में गुड मैन। और हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप रखेंगे हम और उसमें लिखेंगे रेफरेंस। क्या लिखेंगे, रेफरेंस को अंडरलाइन कर देंगे रेफरेंस को और एरो बना करके लिखेंगे। रेफरेंस में मैंने आपको बताया था क्या लिखना होता है, जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम आपको बताना होता है कि कौन सी पॉइंट में से ये लाइंस ली गई है और इस पॉइंट का पॉइंट कौन है। तो आपको पता होगा आपने पॉइंट को पढ़ा है जब, उसमें इस पॉइंट का पॉइंट कौन है पॉइंट ऑलिवर वॉल्ड इसमें। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट और इसमें लिखेंगे हम एन एलर्जी
on the NLSD on the death of a mad dog. मैड डॉग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम पोएट का नाम, रिटन बाय, ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ। ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ जो एक पोएट है उनके द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अब इसके बाद फिर से ये तो हो गया आपका रेफरेंस, रेफरेंस के बाद एक लाइन का गैप रखेंगे और लिखेंगे फिर हम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि ये जो आपकी चार लाइनें हैं इनमें जो पॉइंट है वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या व्याख्या करते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे हम क्या बताते हैं कि जो एक शहर में एक व्यक्ति यानी कि पॉइंट और एक जो डॉग है वो क्या थे, बहुत शुरू शुरू में बहुत अच्छे मित्र थे, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद में उनका जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है, क्वारल बिगिन हो जाता है और जो वो डॉग है वो क्या करता है उस अच्छे भले आदमी को काट लेता है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे इसमें कि द पॉइंट इन दीज लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे इन दीज लाइन्स, इन कविताओं इन पंक्तियों में इन दीज लाइन्स द पॉइंट द पोएट, ठीक है, और चाहो तो पोएट का नाम भी लिख सकते हो, द पोएट ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ, ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ डिस्क्राइब्स फ्रेंडशिप बिटवीन अ मैन एंड अ डॉग। इन पंक्तियों में इन लाइन के अंदर जो कवि है ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ वो क्या है डेस्क्राइब वर्णन करते हैं फ्रेंडशिप मित्रता बिटवीन अ मैन एंड डॉग, एंड अ डॉग यानी बिटवीन का मतलब होता है मध्य में, बीच में, किसके मध्य में, किसके बीच में, ए मैन एंड अ डॉग, एक आदमी और एक कुत्ते के बीच में जो फ्रेंडशिप है जो मित्रता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम बताएंगे क्या कि एट फर्स्ट यानी शुरू में एट फर्स्ट दे गेज अलोंग वेल कि कुछ शुरू में वो कैसे रहते हैं अलोंग वेल, कि वो बहुत अच्छे से साथ साथ में रहते हैं यानी बहुत ही अच्छे मित्र बनकर के रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम लेकिन कुछ समय पश्चात उनमें क्या हो जाता है झगड़ा शुरू हो जाता है ना, बट आफ्टर सम टाइम They begin to quarrel. लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम दे बिगिन टू क्वारल, कुछ समय पश्चात उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, और होता क्या है कि जो कुत्ता है वो उस आदमी को काट लेता है। They begin to quarrel and become enemies. वो शत्रु बन जाते हैं and they become enemies. और वो शत्रु बन जाते हैं और जो कुत्ता है the dog goes mad. कुत्ता पागल हो जाता है. The dog goes mad and कुत्ता पागल हो जाता है, mad हो जाता है and बाइस द मैन और क्या करता है उस आदमी को काट लेता है। तो इन पंक्ति में कभी किस चीज के बारे में बताना चाहता है, इन दीज लाइन द पॉइंट ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ, इन पंक्तियों में जो ऑलिवर गॉल्ड स्मिथ कवि है वो वर्णन करते हैं मित्रता के बारे में किस चीज के बीच में, एक आदमी और एक कुत्ते के बीच में, और ये दोनों है शुरुआत में दे फर्स्ट
एट फर्स्ट दे गेट अलोंग वेल, ये बहुत अच्छे से रहते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के पश्चात दे बिगेन टू क्वारल, उनके लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है एंड बिकम एनिमीज, और वो शत्रु बन जाते हैं। द डॉग वाज मैन, कुत्ता पागल हो जाता है एंड बाइट्स द मैन, उस आदमी को काट लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस और ये हो गया कॉन्टेक्स्ट आपका। अब इस पॉइंट में से आपके कोई सी भी इसमें जो एक्सप्रेशन यदि बनती है और आपको पता है कि इस पॉइंट की लाइंस है, तो आप ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो आप रख लीजिए इसको अच्छी तरह से, और आपको यही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट करना है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लाइंस के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने पॉज करके वीडियो को जो नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, एक लाइन का गैप रखेंगे उसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन, उसी के नीचे से लिखना है आपको। ठीक है, अब इसमें आपकी फर्स्ट लाइन थी, ठीक है ना, द पोएट सेज दैट, द पोएट जो कवि है सेज, वो कहते हैं दैट, कवि कहते हैं कि ऑल अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन, कि जो आस पड़ोस की सभी गलियों से जो आश्चर्यचकित व्यक्ति थे वो क्या करते हैं, दौड़ करके आते हैं। द पॉइंट इज दैट व्हेन, कि जब अ मैड डॉग बाइट्स द मैन, बाइट्स द मैन कि जब एक पागल कुत्ता, व्हेन अ मैड डॉग बाइट्स द मैन, एक पागल कुत्ता आदमी को काट लेता है, देन So many neighbors, कई सारे जो neighbors पड़ोसी हैं, of the man's street, man's कर सकते हैं उस आदमी की, या फिर जिस भी लिख सकते हैं, ऑफ दैट मैन स्ट्रीट का मतलब क्या है, गली में से, कि उसकी गली में से, आसपास की जो गली है उसमें से काफी सारे जो लोग है पड़ोसी हैं वो दौड़ करके आते हैं। मैन, सो मैनी नेबर्स ऑफ दैट मैन्स स्ट्रीट कम्स, वो आते कम टू सी हिम, उसको देखने के लिए आते हैं काफी सारे, कि जब कुत्ता काट लिया तो लोग आते हैं, अरे क्या हो गया, हमारे आसपास कैसे होता है, कोई घटना घट जाती है, ठीक है, कोई चीज हो जाती है, तब काफी सारे पड़ोसी लोग देखने के लिए चले आते हैं, भागे आते हैं, अरे क्या हो गया। ऐसे ही जब उस आदमी को कुत्ते ने काटा तो उसके आस पड़ोस के, ठीक है ना, और इसको उस आदमी को देखने के लिए क्या हो गया, एंड दे ऑल वर सरप्राइज, और वो सभी क्या थे, आश्चर्यचकित थे, इसलिए दैट अ डॉग, अ मैड डॉग हैड रिटर्न द मैन, की एक पागल कुत्ते ने क्या कर दिया, आदमी को काट लिया, ठीक है ना, दैट वॉज हिज फ्रेंड, जो कि क्या था, उसका मित्र था, कौन, कुत्ता, उसी ने क्या कर लिया, उस आदमी को काट लिया, एंड दे अनाउंस
इसमें क्या कर रखा है, एंड सॉ द डॉग हैड लॉस्ट इट्स विट्स, और उन्होंने सॉ, एस डब्ल्यू ओ आर ई, ये क्या है, एस डब्ल्यू ए आर ई की सेकेंड फॉर्म है सॉ, एंड सॉ, और उन्होंने क्या की, घोषणा कर दी, घोषणा कर दी अर्थात उन्होंने कहा या बताया, एंड दे अनाउंस, और उन्होंने अनाउंस कर दिया, ये बता दिया कि द डॉग हैड, द डॉग की जो कुत्ता है, द डॉग गोज मैड, कि कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया है। उन्होंने क्या कहा कि जो कुत्ता है वो पागल हो गया है, उसने अपनी बुद्धि को खो दिया है, यानी उसने इसकी जो विट है, विट का मतलब है बुद्धि, उसको लॉस्ट यानी खो दिया है, अर्थात वो पागल हो गया है। एंड दे अनाउंस द डॉग वॉज मैड एंड हैड बाइट, हैड बिटन द, हैड बिटन द सो गुड मैन, हैड बिटन द गुड मैन, हैड बिटन अ गुड मैन, कि और उसने एक अच्छे बुरे आदमी को काट लिया। तो ये क्या होगी आपकी एक्सपीरियंस होगी, द पॉइंट सेज दैट व्हेन अ मैड डॉग बाइट्स द मैन, कभी कहते हैं कि जब एक पागल कुत्ते ने आदमी को काट लिया, देन सो मेनी नेबर्स ऑफ दैट मैन स्ट्रीट, कि उसकी उस आदमी की गली में से काफी सारे जो पड़ोसी हैं, कम टू सी हिम, केम टू सी हिम, वो क्या है उसको देखने के लिए आए, एंड दे ऑल वर सरप्राइज, और वो सभी कैसे थे, आश्चर्य थे, दैट अ मैड डॉग हैड बिटन द मैन, एक आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया है, दैट वाज हिज फ्रेंड, जो भी उसका क्या था, मित्र था, एंड दे अनाउंस, और उन्होंने घोषणा कर दी कि द डॉग वाज मैड, कि कुत्ता पागल हो गया है, और एंड हैड बिटन अ गुड मैन, उसने एक अच्छे वाले आदमी को काट लिया है। तो ये क्या होगी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, यानी चार पंक्तियों में कभी इस चीज के बारे में बतलाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। तो एक तो ये आपका पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न मैंने आपको समझाया था कैसे कहना था, ये आप नोट कर लीजिए, और इसी तरह से आपकी इस पॉइंट में से कोई भी एक्सप्लेनेशन आती है, कोई भी पंक्ति आती है, मैंने आपको पूरी जो लाइन्स है आपकी उनको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उनको जैसे मैंने आपको हिंदी में बोल करके एक्सप्लेन किया है, वैसे ही क्या करना है आपको उनको इंग्लिश में बना करके लिखना है। ये आपका एक पैटर्न हो गया, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो कैसे था आपका, इसे देखिए, लेकिन आपको यही पैटर्न यूज करना है, ये पैटर्न अप्लाई करना है आपको। दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था क्या लिखना, द पॉइंट सेज दैट, द पॉइंट सेज दैट, और फिर जो आपकी लाइन दे रखी है पहली वाली जो स्टेंजा है चार लाइन का, उसमें जो पहले लाइन है वो आपने पूरी लिखी, और जहां पर खत्म हो रही है वहीं से आपको क्या लिखना है, एंड देन द पॉइंट सेज दैट, एंड देन द पॉइंट सेज दैट, और फिर जो दूसरी लाइन है पूरी वो आपको लिखनी है, उसके बाद में लिखना है आपको आफ्टर दैट, आफ्टर दैट द पॉइंट सेज दैट, पॉइंट सेज दैट, और जो थर्ड लाइन है वो आपको पूरी लिखनी है, फिर आप लिखेंगे इन द लास्ट लाइन, इन द लास्ट लाइन द पॉइंट सेज दैट, द पॉइंट सेज दैट, और फिर जो भी इसमें चौथी पांचवी लाइन है वो आपको उसमें लिख देंगे, फिर उसमें लास्ट में लिखेंगे सो दस द पॉइंट डिस्क्राइब डिस्क्राइब दिस स्टेंजर, दिस स्टेंजर या फिर दीज लाइन्स, इन दीज लाइन्स, दीज लाइन्स, ठीक है। ये आपके हो गया दूसरे तरह का पैटर्न, की पहली लाइन में आपने लिखा द पॉइंट सेज दैट, और पहली लाइन में जो भी कभी बदनाम चल रहा है उसके बारे में आपने लिख दिया, फिर आपने लिखा एंड देन द पॉइंट सेज दैट, फिर दूसरी लाइन में कभी क्या बदनाम चल रहा है उसके बारे में लिख दिया, फिर आफ्टर दैट द पॉइंट सेज दैट, ऐसे तीसरी लाइन में, ऐसे चौथी लाइन में, और लास्ट में आप ये लाइन आप एड कर देंगे। इस प्रकार से क्या है, इस पॉइंट में से कोई भी एक्सप्लेनेशन आती है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए,
ठीक है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। कंटिन्यू आप वीडियो को दो तीन बार देखिए, दो तीन बार समझिए उसे, इसको लिख लीजिए नोटबुक में और उसको बार बार रिपीट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।